वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम आयशा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन बी मैनेज फॉर क्रिकेट एंड हाउस और दिस फील्ड। इजी है, इजी है। आपकी आपकी जो हम सफ़र है, जो बेगम है, वो बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए। आई होप से कि मैंने जो आपको पर्सनली देखा है ना, कि आप बेटियों से माशाल्लाह बहुत टची हैं, और आपकी वो किंग ऑफ कहते हैं ना, किंग की जिस तरह की रानियाँ होती हैं, बस वो रानी है जी, वो रंग है मेरी जिंदगी, ये खूबसूरत खूबसूरत कलर है। बेटियों से खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है। आप इंस्पिरेशन है एज अ फादर बेटियों के लिए, और आप बाकियों को क्या भी अच्छा नहीं, आप माशाल्लाह शौहर भी अच्छे हैं, बेटे भी बहुत अच्छे हैं, बाकियों के लिए आप, मैं चाहती हूँ कि आप जो जिनकी वो कहते हैं ना, अभी भी सोच हुई है कि बेटियों को लेके, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए। बेवकूफ़ हैं वो लोग। मैं इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे सही सलामत औलाद दी है, इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं होती। और बेटियों की शक्ल में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फातिमा उनकी बेटी थी, वहाँ से उनकी नस्ल चली थी। उनके बेटे थे तो सही, लेकिन ऊपर चले गए फिर। लेकिन हमें, मेरी भी जो बेटियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि एक एक पढ़ी लिखी बेटी, पढ़ी लिखी माँ होगी तो पढ़ा लिखा माशरा होगा। तो बेटियों की एजुकेशन पर मैं इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। बेटी पढ़ी लिखी होगी तो आई मीन कि एक ऐसा वक्त आ जाता है, खुदा ना खास्ता, कि वो बेटी कल को, वो माँ कल को अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सके, वो किसी का सहारा ढूंढ ना रही हो। तो बस ये है बेटी। थैंक यू सो मच। अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और कोई सवाल कोई पूछेगा? हम साथ साथ, हमें जो है कराची से हुज़ैफ़ा ने ज्वाइन किया, बिकॉज मोहसिन नकवी साहब ने भी कल गुफ्तगू की कराची के मीडिया से, जो है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक, और उसके हवाले से बात की, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी सारी चेंजेस हुई हैं। मोहसिन नकवी साहब के साथ अभी ज़्यादा आमना सामना प्रेस का हुआ भी नहीं था, उन्होंने क्या बताया, कल क्या हुआ? हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। हुज़ैफ़ा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर, आपको भी और तमाम जितने लोग बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हुज़ैफ़ा, क्या बात हुई कल मोहसिन नकवी साहब से? देखिए, मोहसिन नकवी साहब का पहला दौरा था नेशनल बैंक स्टेडियम का, उन्होंने बाकायदा जायजा लिया, तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी स्टैंड्स हैं, खासतौर पर रेनोवेशन का जो अमल है जिसकी अनाउंसमेंट की जा चुकी है, चैंपियंस ट्रॉफी कार्ड के ऊपर है। तो सबसे अहम सवाल जो उनसे हुए वो मीटिंग के हवाले से, जो ICC मीटिंग हुई, चेयरमैन साहब की जानिब से इतना मौकफ जो है वो सामने वाजे तौर पर रखा नहीं गया। वो चाहते हैं कि चीज़ें जब फाइनलाइज हो जाएँ तभी बात की जाए, क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैटर ऐसा है, इस पर बहुत ज़्यादा बात होती है तो फिर वहाँ से क्रॉस इंडिया की तरफ से भी बात आती है। तो उनका ये कहना था कि यही शायद उनकी मुलाकात हुई है, मुलाकात मजबूत रही है, और उनका पूरी कोशिश यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम तर मैचेस पाकिस्तान में करवाए जाएं। वो इस बारे में सोच ही नहीं रहे कि इंडिया की टीम नहीं आएगी, मामला को हतमी मराइल में दाखिल करेंगे और किसी न किसी तरह करके चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैचेज हैं वो पाकिस्तान में करवाए जाएंगे। फिर आपको पता है कि कराची का जो स्टेडियम है उसके हवाले से बहुत ज्यादा सवाल हुए, व्यू के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल हुए, तो उन्होंने बारहा इस बात को कहा कि मैं वादा करता हूँ आप सबसे कि ये तीनों स्टेडियम जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करने, ये स्टेट ऑफ आठ स्टेडियम होंगे और आपकी ये जो भी शिकायतें वो खत्म हो जाएंगे। फिर हारिस रऊफ के इशू के ऊपर जो पॉलिसी के मसले मसाइल थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, तो उन्होंने वाजे कर दिया कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये अवेलेबल नहीं होगा उसके ऊपर यही पॉलिसी लागू होगी। खिलाड़ियों को लीग खेलने की इजाजत है, लेकिन अगर पाकिस्तान की कॉल होगी तो किसी भी फॉर्मेट में प्लेयर को अवेलेबिलिटी अपनी शो करनी होगी। कप्तान के हवाले से उनका कहना था कि कप्तान का पहले फैसला चेयरमैन PCB करते थे, अब चेयरमैन PCB के पास ये इख्तियार नहीं होगा, बल्कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो कप्तान का फैसला करेगी, वही जवाब देगी अच्छी परफॉर्मेंस पे भी और बुरी परफॉर्मेंस पे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी है मैं उसमें तब्दीली करने जा रहा हूँ, वो आपको एक हफ्ते में पता चल जाएगी। कोचेस के हवाले से भी उनका ये कहना था कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो कोचेस को फाइनल कर दिया जाएगा, लेकिन कोच जो है गैर मुल्की होगा, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा आउट हो गई इसकी वजह से। शेन वॉटसन ने मना कर दिया कि मेरी सैलरी भी आउट हो गई, ये चीजें भी हो गई, तो अब जो भी कोच होगा वो हम फाइनल अनाउंस करेंगे, इस वक्त हम कोच के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। ये तमाम चीजें थी, लेकिन खास कर जो उनका इस वक्त अहम चीज थी वो उनका दौरा था। उन्होंने हर एक एक डिपार्टमेंट में जाके जितनी वैकेंट लैंड थी उसको भी देखा, हर एक एक बंदे से मिले, और यही कोशिश थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पूरा नेशनल बैंक स्टेडियम है इसको एक अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है, इसमें ना सिर्फ लोकल फैंस ने आना है बल्कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट करेंगे तो इंटरनेशनल फैंस भी जो है नेशनल बैंक स्टेडियम आएंगे। ठीक। अच्छा हुज़ैफ़ा, ये जो पाकिस्तान टीम की अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, उस हवाले से अगर कोई बात हुई है, और उसके साथ साथ जो अगर कोई पाकिस्तान जो मकामी कोचिज़ हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कोई बात हुई हो उनके साथ, चेयरमैन साहब के साथ, तो
साहब से इस हवाले से बाकायदा तौर पे सवाल नहीं हुआ, लेकिन उनका इशारा इसी तरफ था कि इस वक्त जो कैंप होगा उसमें मुमकिन तौर पे जो मकामी कोचेज हैं उनके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी, क्योंकि अभी तक किसी भी इंटरनेशनल कोच के साथ हतमी फैसला नहीं हुआ। डैरन सैमी को भी अप्रोच किया गया, माइक हैसन को भी किया गया, शेन वॉटसन को भी किया गया, अभी भी मुतादाद खबरें हैं कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल कोचेज से जवाबते किए गए हैं, लेकिन अब तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। तो मुमकिन यही है कि जो ये वाली सीरीज होगी न्यूजीलैंड की होम सीरीज होगी उसमें मकामी कोचेज के साथ ही जाया जाएगा। हुज़ैफ़ा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शादाब खान की भी, अब्दुल रहमान साहब की भी, कुछ कुछ अनबन हुई अब्दुल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखें, इब्तदाई तौर पे गुज़िश्ता रोज जब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी मुल्तान सुल्तान ने, तो कराची मीडिया का ये मुतालबा था कि जो कैप्टन है वो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्योंकि अमूमी तौर पे नॉर्म होता है कि कैप्टन आते हैं प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और मोहम्मद रिजवान अब तक कराची में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर चुके थे। तो सब ने मुतालबा रखा था कि, और अब्दुलरहमान साहब दो दिन कबल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, लेकिन चूंकि आपको पता होगा कि उनसे मैनेजर ने ये बात नहीं मानी, फिर कोई बदइंतजामी हुई, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान, फिर मीडिया ने बायकॉट कर दिया, तो ये चीज दिखाई बनी। फिर अगले दिन अब्दुलरहमान साहब दोबारा आए, फिर इस बात को वाजे कर दिया गया कि अब्दुलरहमान साहब से कोई इख्तलाफ नहीं है, वो उनकी मैनेजमेंट से और मीडिया मैनेजर से साफियों को इख्तलाफ था। तो बहरहाल वो मामला तो बाद में तय आ गए, लेकिन इशू यही था कि जो सहाफी थे वो चाहते थे कि जो कप्तान है वो सामने आए और वो सवालात के जवाब दें, क्योंकि कप्तान ने टीम को लड़ाना होता है, और कोच एक रोज कबल ही आए थे, तो कप्तान का आना ज्यादा बेहतर था। ठीक है, ठीक है हुज़ैफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस अपडेट का। एंड बड़ी, मतलब अभी बहुत पॉजिटिव बातें हैं जो मोहसिन नकवी साहब ने कही हैं, आई होप कि जो बातें हैं वो उनकी एप्लीकेशन की तरह हों। सवेरा, देखें, मेरे ख्याल में अगर सिलेक्शन कमेटी को इतना स्ट्रॉन्ग करें तो बहुत ज़बरदस्त डिसीजन है, साथ में ये है कि उन्हीं पे ही कप्तानी भी छोड़ दी। पहले चेयरमैन वगैरह कप्तानी करते थे, पहले खैर चेयरमैन सिर्फ कप्तानी नहीं करता था, इवन के टीम भी बनाता था चेयरमैन, पिच भी देखते थे बहुत सारे चेयरमैन। अब मोहसिन नकवी साहब के ये डिसीजन तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। साथ में ये है क्योंकि उनके पास कोई एक पोस्ट नहीं है, उनके पास मल्टीपल पोस्ट, दो मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है, ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक्स। तो हाँ, तो ये दो मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो ठीक है, अगर वो अपने अंडर अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि लीडर काम नहीं करता, लीडर अपने इर्द गिर्द दिमाग जमा करता है, प्रोफेशनल्स जमा करता है, टेक्निकल लोग जमा करता है जो उस काम के मास्टर्स हो। तो आई मीन कि ठीक है, अगर ये सिलेक्शन कमेटी को पूरी अथॉरिटी दी जाती है, फिर जिम्मेदार भी वही है, फिर चेयरमैन किसी और से ना पूछे, डायरेक्ट उन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपको सारी अथॉरिटी दी थी, क्या डिसीजन था, क्या फैसले किए आप लोगों ने, उसके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। तो रिस्पॉन्सिबल सारी सिलेक्शन कमेटी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि नजम, ये जो मोहसिन नकवी साहब का ये डिसीजन बहुत अच्छा, भाई ग्राउंड के हवाले से देखिए, उनकी जो पास्ट में हमें काम करती हुई चीजें मिली हैं पंजाब के अंदर, जो पंजाब के लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, और उन्होंने मुझे इनके बारे में पॉजिटिव चीजें बताई कि बड़े जबरदस्त तरीके से टाइम से पहले डिलीवर करना प्रोजेक्ट को, ये बड़ी बात होती है। तो बाकी पॉलिटिक्स वगैरह बीजेपी वगैरह प्रोग्राम करते हैं, ये आपको बताना चाहिए। तीन अंडर पासेस बनवा दी, काफी सारा काम लाहौर में, काफी काम, काफी सफाई सिटी में, लोगों के करोड़ों अरबों रुपए डूबे हुए थे, उनकी वजह से उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट करा के उनको पोजेशन दिया। इसका मतलब ये इज अ डिसीजन मेकर, वो डिसीजन लेते हुए डरता नहीं है ये बंदा, और ऐसे बंदे इस मुल्क को चाहिए जो डिसीजन ले, काम हो भाई जान फौरन फौरन। गुड, अभी तक स्टार्ट अच्छा है, अल्लाह करे जो वो प्लान्स हो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।